जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन का मित्रों सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर आपके जीवन में ये सब चल क्या रहा है। दिनांक 5 सितंबर 2023 का दिन कैसा व्यतीत होगा आप लोगों के लिए। आइए मित्रों, सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि 5 सितंबर को मंगलवार का वार है मित्रों, बजरंग बली देवता का वार, बड़ा ही शुभ वार है। और हाँ, इस वक्त श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। वहीं आप सभी को बता देते हैं कि भरणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है एवं मित्रों व्यघात नामक योग भी बन रहा है। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो मित्रों सूर्य तो सिंह राशि में विराजमान रहेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह मित्रों मेष राशि यानी कि प्रथम राशि में संचार करेगा। तो ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को सबसे पहले वही भक्त लाइक करें जो बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं, और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने का मित्र एक छोटा सा कष्ट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एर सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे मित्रों, आपकी किस्मत का ताला खोल देंगे हमारे 2 मंत्र। तो चलिए, आप सभी का जो कीमती वक्त है उसे गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। मित्रों गुरु जी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी होती है, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता है, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते हैं, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते हैं, और मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती है। मित्रों आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। आप अपने जीवन में कभी भी स्वार्थी मत होना, कभी भी स्वयं के लिए मत जीना मित्रों, क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उस व्यक्ति के जीवन में मित्रों परमात्मा कभी कोई दुख और कभी कोई तकलीफ नहीं देता है। मित्रों आपके ऊपर लगे आरोपों को मिटाने में आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आप सभी ध्यान दें कि कुछ लोग आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने का मित्रों प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके प्रति नकारात्मकता फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, आपकी छवि को खराब करते हैं, क्योंकि मित्रों ऐसे लोगों के साथ जुड़कर रहना आपके लिए सही नहीं है। ये आस्तीन के सांप हैं मित्रों जो हमें मीठा मीठा बोलकर हमें डसते हैं।
मित्रों, इस कलयुग की दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आप किसी भी काम को करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रों, उस काम की जड़ तक पहुंचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बता देते हैं कि घर में आप किसी नए कार्य के विस्तार की योजनाएं भी बनाएंगे और उस योजनाओं में अपने माता पिता की सलाह अवश्य लें मित्रों, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की बातें और बड़े बुजुर्गों की राय हमारे लिए किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होती है। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है, उन्हें पता है कि भविष्य कैसा होगा। और कहते भी हैं मित्रों कि परिवार में एक ना एक बुजुर्ग का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बातें हमें बुजुर्गों के द्वारा जानने को मिलती है वह बातें किसी से भी हमें नहीं सुनने को मिलती। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के वाद विवादों में पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें। मित्रों, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा अपने आप को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखें, क्योंकि परिस्थितियां कुछ विपरीत बनेगी। घर तथा व्यवसाय संबंधित पुराने नियमों को बदलने में आपका ध्यान रहेगा और अपनी दक्षता और निपुणता से अपने कार्यों को आप व्यवस्थित भी कर लेंगे। मित्रों, अपने कार्य को शुरू से ही अगर आप व्यवस्थित रख के चलेंगे तो सारे कार्य सफल होंगे। वहीं इस वक्त आप सभी को बता देते हैं कि अपने प्रेम जीवन को मर्यादा पूर्ण व्यतीत करें। प्रॉपर्टी अथवा अन्य किसी काम को लेकर कोई नजदीकी यात्रा का प्लान बनेगा और घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर आपको बनाए रखना है। उनका स्नेह आशीर्वाद भी बना रहेगा मित्रों, और अपनों के साथ आप जितना ज्यादा जुड़ कर रहेंगे मित्रों, उतनी ही ज्यादा सकारात्मकता आपको जीवन में मिलेगी। विचार विमर्श के वक्त अपनी बातों को रखते हुए संतुलित रहें, अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखें और अपनी बातों को भी मित्रों बहुत ज्यादा परख कर बोले। स्तरहीन बातें आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाएगी, इसलिए स्तरहीन बातों की चर्चा इस वक्त ना करें और अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें कि आपको वस्तुएं कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, जिससे कि वस्तुएं मित्रों खराब ना हो। प्रतियोगिता की तैयारी में प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाई करना जरूरी है, और जो जातक इस वक्त किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलने के 108% चांस मिल रहे हैं। केवल मेहनत करते रहें और मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना गवाएं। जो जातक नया काम करने जा रहे हैं तो नया काम करने जा रहे व्यवसायियों को अभी इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि मित्रों इंतजार का फल मीठा होगा। लेकिन हाँ, आपने बहुत सब्र कर लिया है, लेकिन अब मित्रों और सब्र नहीं करना है। जल्दबाजी में गलत फैसले हो सकते हैं। मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बनेगी मित्रों। आपको बता देते हैं कि जल्दबाजी आपके लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है, परंतु जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में किसी गलत लक्ष्य का चुनाव बिल्कुल भी ना करें और आपसी तालमेल घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखेगा। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने का
यह एकमात्र उचित उपाय है मित्रों। पॉल्यूशन, भीड़ भाड़ जैसे स्थान पर जाने से बचें और प्रेमी प्रेमिका को भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है, एक दूसरे को समझना जरूरी है। मित्रों, किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा आपको कोई सुखद समाचार भी सुनने को मिल सकता है। सुखद समाचार सुनकर मित्रों आपको बहुत ही खुशी होगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय। मित्रों, तेजी से सुधरेगी आर्थिक स्थिति, सरल उपाय है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार करना है, सिर्फ एक बार, सप्ताह में एक बार घर में गुगल का धुआं करना बहुत शुभ होता है। इससे परिवार के सदस्यों का मन प्रसन्न रहता है और घर में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा मित्रों, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। मित्रों, आपको तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना है, गरम किया या उबला हुआ दूध नहीं। वहीं मित्रों, एक और छोटा सा उपाय और है, हर महीने के प्रथम सोमवार को, यानी कि कोई भी महिला हो, उसके प्रथम सोमवार को अपने इष्ट देव का ध्यान करके थोड़ी सी पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर घर से बाहर फेंक दे, रोग बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएंगे और मित्रों अपार सुख आपको मिलेगा। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।